तो गाइज आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला होगा कि यदि आप भी फेसबुक मैसेंजर की चैट को यदि गाइज आप भी हाइड करना चाहते हैं तो गाइज आप इसे हाइड कैसे कर सकते हैं। तो गाइज जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइज बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना, जिससे कि गाइज ने आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल रही। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइज आपको अपने मोबाइल में फेसबुक मैसेंजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी जो सभी फ्रेंड्स हैं उनकी चैट यहाँ पर शो करेगी। तो यहाँ पर गाइज आप कौन सी चैट को यहाँ पर हाइड करना चाहते हैं, जैसे गाइज मैं यहाँ पर फर्स्ट वाली चैट को यहाँ पर हाइड करना चाहता हो तो इस पर गाइज आपको एक लॉन्ग प्रेस कर लेना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऊपर की साइड फर्स्ट में ही गाइज आपको यहाँ पर अर्चिव का ऑप्शन शो करेगा, तो इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे गाइज आप इस पर क्लिक करेंगे तो गाइज आपकी जो चैट है वो यहाँ से हाइड हो जाएगी। इसके बाद आपका आपके मोबाइल को कोई भी पर्सन यहाँ पर लेगा और उस फेसबुक मैसेंजर को ओपन करेगा तो यहाँ पर उसकी चैट जो है वो यहाँ पर शो नहीं करेगी। पर यदि गाइज फिर से गाइज आप उस चैट को यहाँ पर लाना चाहते तो इसके लिए गाइज आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर लेना हो उस पर्सन का नेम या फिर गाइज उस पर्सन की आईडी को यहाँ पर सर्च कर लेना है। सर्च करते गाइज आपकी जो यहाँ पर गाइज आपके सामने आप उस पर्सन की जो यहाँ पर चैट है वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। पर गाइज यदि गाइज आप उसे मेन फ्रंट पेज पर लाना चाहते फिर से तो गाइज आपको उसे सिर्फ एक बार मैसेज कर लेना है। जैसे गाइज आप उसे एक बार मैसेज करेंगे तो गाइज आपकी चैट जो है फिर से आपके फ्रंट पेज पर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए गाइज हमने हाइड भी कर लिया था और फिर से गाइज उसे अनहाइड भी कर लिया है। तो इस तरह से गाइज यदि गाइज आप भी अपने फेसबुक मैसेंजर में यदि गाइज आप चैट हाइड करना चाहते हैं तो गाइज कुछ इस टाइप से आप उसे हाइड कर सकते हैं गाइज। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो चलो और वीडियो चलो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइज, ताकि गाइज वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रही। थैंक यू गाइज।